gracious and the most merciful. My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने chapter number 2 का कल start किया था. हमने उसमें उसका introduction पढ़ा है. Introduction to biochemistry हमने detail से discuss किया है. आज का जो हमारा topic है वो बहुत अहमियत का हामिल है. हमने आज importance of carbon पढ़ना है. जितने भी reactions हैं biochemistry के अंदर वो base करते हैं carbon के ऊपर. ये carbon ही उनका सेंट्रल पॉइंट है जिससे आगाज होता है जितने भी रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं. तो उसकी बुनियाद है कार्बन. हमने कार्बन को समझना है डिटेल से. सबसे पहली बात इसमें यह है कि कार्बन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट है. ये बेसिक एलिमेंट क्यों है कार्बन? क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है रिएक्ट करने की दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो ये बताती है कि ये टेट्रावेलेंट है. कार्बन जो है हमें पता है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है. 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है. इसकी जो टेंडेंसी है रिएक्शन की वो ये जो रिएक्शन करता है ये कोवलेंट बॉन्डिंग करता है कार्बन. और जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्डिंग होती है. कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम एग्जाम्पल देखें जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, 2 हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनता है. तो वो कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है. कार्बन जो है ये स्केलेटन ऑफ लाइफ में जो सेंट्रल पॉइंट का रोल अदा कर रही है वो क्यों कर रही है? अपनी इसी टेंडेंसी की वजह से कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती है, कोवलेंट बॉन्डिंग करती है, और जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड होता है. इस वजह से कार्बन बहुत से दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनाता है अपनी इसी टेंडेंसी की वजह से. अगली बात हम करते हैं कि जो कार्बन की ये टेंडेंसी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, इस टेंडेंसी को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? टेट्रावेलेंट का नाम देते हैं. टेट्रा मीन्स 4, वेलेंट मीन्स वैलेंसी. टेट्रावेलेंसी, इस टेंडेंसी को हम टेट्रावेलेंसी कहते हैं, टेट्रावेलेंट कहते हैं. और जब कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की तो बेसिकली वो जो स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन का, जो एक स्ट्रक्चर बनता है रिएक्शंस के दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या बनता है? वो टेट्राहेड्रॉन बनता है. ये टेट्राहेड्रॉन क्या है? ये ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 4 फेसेस होते हैं और 6 एजेस होते हैं. ये मैंने एक पैरामिड टाइप शेप बनाई है जिसको हम टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं. टेट्राहेड्रॉन से क्या मुराद है? ऐसी शेप बनती है जब कार्बन 4 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है दूसरे, तो टेट्राहेड्रॉन शेप बनती है जिसके 4 फेसेस एंड 6 एजेस होते हैं. अगली बात इसमें हम ये करते हैं कि कार्बन के 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब वो रिएक्शन करवाता है, जब वो रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट के साथ. उसके 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं. वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? इस ये जो ये शेप है इसको हम ब्रांच शेप कहते हैं. कार्बन की ब्रांचेस हैं जो बन रही हैं और आगे रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ. ब्रांच शेप है. अनब्रांच शेप है जिसके अंदर ब्रांच नहीं बन रही, सीधी कार्बन की चेन है जो रिएक्शन करवा रही है. तीसरी जो शेप है वो रिंग शेप है जिसके अंदर कार्बन रिंग बना रही है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करती है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का जो रिएक्शन की टेंडेंसी है उसमें 3 शेप्स बनती हैं, ब्रांच, अनब्रांच एंड रिंग शेप. कार्बन की इसी टेंडेंसी की वजह से बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो कार्बन की इसी टेंडेंसी की वजह से एग्जिस्ट करते हैं. यही वजह है कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं. लेकिन उनकी बेसिस क्या है? उनकी बेसिस कार्बन की ये टेंडेंसी है कि जो ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करती है. अब हम बात करते हैं कि कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है, किस किस अदर एलिमेंट्स के साथ. सबसे पहले तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है. C-C बॉन्ड सबसे पहला बॉन्ड बनता है. जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्केलेटन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की. कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्केलेटन है. स्केलेटन है कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी बेसिस है. जितने भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन है उसके अंदर जो बेसिस है वो
किन रिएक्शंस की बुनियाद पे आगे चलती है? सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने की बुनियाद रखी जाती है। नेक्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि कार्बन जो है इसकी ये टेंडेंसी है कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब के साथ कार्बन रिएक्ट करता है। हमने देखना है कि जो बाकी इंपॉर्टेंट हैं रिएक्शंस जिनके एलिमेंट्स के साथ ही करके अहम किरदार अदा करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने में, वो कौन कौन से हैं। वो हैं सी एच बॉन्ड। ये सी एच बॉन्ड जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो सी एच बॉन्ड बनता है ये एनर्जी स्टोरेज बॉन्ड है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज का काम है, एनर्जी स्टोरेज की बुनियाद है, वो इस बॉन्ड से बनना शुरू होती है। ये हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड है जिसको हम सी एच बॉन्ड का नाम देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हाईली एनर्जेटिक बॉन्ड है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, वो किस बॉन्ड की वजह से मिलती है? सी एच बॉन्ड की वजह से। ये एनर्जी स्टोरेज बॉन्ड है सी एच बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी ओ बॉन्ड की, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है ये? तो इस सी ओ बॉन्ड में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के अंदर सी ओ बॉन्ड का मेन जो पर्पज़ है वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है? एक कार्बोहाइड्रेट का किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिएक्शन करना, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन कर सकता है, ऐसे लिंकेजेस को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस कहते हैं। तो ऐसे लिंकेजेस के अंदर सी ओ बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी एन बॉन्ड की। ये सी एन बॉन्ड क्या है? इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, बायोलॉजी की टर्म है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड किस जगह पे अहमियत का हामिल है? ये प्रोटीन का जो यूनिट है, फंक्शन यूनिट मेन है, अमाइनो एसिड्स जो हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, अमाइनो एसिड्स को बनाने में किस चीज़ का किरदार है? सी एन बॉन्ड का, पेप्टाइड बॉन्ड का किरदार है अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन के अंदर। अमाइनो एसिड्स बनते हैं और आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है जो कि एक एनर्जी बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटीन जिसका नाम है। तो ये तीन चार हमने पढ़े हैं सी सी बॉन्ड, सी एच बॉन्ड, सी ओ बॉन्ड एंड सी एन बॉन्ड्स, कि इनका क्या रोल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर और उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स बनाने के अंदर, ये बॉन्ड्स किस तरह काम आते हैं और क्या क्या इनके फंक्शन है। नेक्स्ट लास्ट हमने इसमें इस टॉपिक में ये बात पढ़नी है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं एंड स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या चीज आती है? प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को हम क्या कहते हैं? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं और ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, पानी में डिजॉल्व ना होने की वजह से सेल के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कौन बनाते हैं? वो ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, इस वजह से सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इनकी वजह से बनते हैं। और दूसरी बात ये कि ये स्टोरेज का काम भी करते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि ग्लूकोज है उसको अपने अंदर स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, और इसी वजह से ये एनर्जी यूटिलाइजेशन के लिए भी काम आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो इन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलती है, क्योंकि ये स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये स्मॉलर यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और फौरन से टूट जाते हैं और टूट के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये इनकी टेंडेंसी है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फौरन से टूट के।
और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फॉर्म में फौरन से टूटते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये था हमारा आज का होल टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस सारे टॉपिक में तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहज़ाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।